4-5 महीने पहले ये रोड बना था, यहाँ के रहने वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि अब वो भी साफ रोड से गुजर सकेंगे। हमारी आवाम की गलती ये है कि आवाम जो है ना कचरा नालों में लाला के डालती है, उनको बोलो तो वो लड़ने के लिए खड़ी होती है। टूट गया है जैसे आप देख रहे हैं, पानी भरा हुआ सारा। तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ पे ठेला लगाने में? कारोबार नहीं होता है, ग्राहक नहीं आते हमारे। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, अबरार हुसैन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल नैनो हैदराबादी में। अभीवत में हैदराबाद के जो 12 नंबर का एरिया है वहाँ पे आया हुआ था, आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट की है। अलामना जो बर्ड सेंटर है जहाँ पे बर्ड्स और उनकी फीड वगैरह मिलती है, तो वहाँ से वीडियो शूट करने के बाद मैं वापसी घर की तरफ जा रहा था। तो हैदराबाद 12 नंबर के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो दुकानदार हैं यहाँ के, जो ठेला लगाते हैं, वो उनकी परेशानियों को देखते हुए मुझे यहाँ पे मजबूरन रुकना पड़ा कि ताकि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ, किसी तरह मेरी ये वीडियो उनके किसी काम आ सके। क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको अपनी हलाल रोज़ी कमाने के लिए भी एक अजाब से गुजरना पड़ता है। सारा दिन बदबूदार पानी के सामने खड़े रह के उनकी बदबू सूंघनी पड़ती है, उनके छींटे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर वो जाके अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमा सकते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये वीडियो मेरी किसी तरह ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए जो साहब इख्तियार हैं, जो इस चीज़ को सही करने का इख्तियार रखते हों। और वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि बराए मेहरबानी हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 12 के इन लोगों का, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनके बारे में खुदारा सोचें, उनकी मदद करें। वो बड़े अजाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुबह शाम उनको इस गंदे पानी से गुजर के अपने ऑफिस जाना पड़ता है, अपना कारोबार करना पड़ता है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और छोटे छोटे बच्चों को इसी गंदे पानी से गुजर के स्कूल जाना पड़ता है और वापसी भी आना पड़ता है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कतन ये मकसद नहीं होता कि मैं हैदराबाद के ऐसे एरियाज़ की वीडियो दिखाऊँ जो जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो जहाँ पर गंदगी या कचरा है, यह ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ज़रा आप ज़रा तसव्वुर करें कि क्या मुझे या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि बदबू वाले इलाके में खड़े होकर और कैमरा निकाल के वीडियो बनाना अच्छा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगता। लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाए, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अब अपने लोगों का सोचें और उनके बारे में और उनकी कोई मदद करें। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, किस परेशानी से लोग यहाँ से गुजरते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये है हैदराबाद का लतीफाबाद 12 नंबर के सामने से गुजरने वाला एयरपोर्ट रोड, जो 12 नंबर रोड भी कहलाता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस रोड के ऊपर, जो पुरानी फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट से थोड़ा सा आप आगे आएँ तो यहाँ पे तैयबा जामा मस्जिद है जो लतीफाबाद नंबर 8 में पड़ती है। क्योंकि रोड के उस तरफ जो है लतीफाबाद नंबर 8 है और रोड के इस तरफ जो है लतीफाबाद नंबर 12 है। तो मैं दिखाना मेरा मकसद था ये जो गलियाँ हैं यहाँ की जो गलियाँ हैं और यहाँ पर गुजरते हुए लोग कि वो किस अजाब से सुबह शाम गुजरते हैं। ज़रा आप तसव्वुर करें कि आपका घर किसी ऐसी जगह में हो और आपको सुबह शाम जब आपको किसी दुकान से सामान लेने जाना हो या वापसी आना हो तो आपको ऐसे गंदे पानी से गुजर के आना पड़े, तो ज़रा तसव्वुर करें आपके लिए कितना माहौल या कितना मुश्किल होगा। अब मैं आपको मेन रोड के ऊपर लेकर चलता हूँ, मेन रोड का भी नज़ारा करवाता हूँ। ये तो एक गली की तरफ अंदर टर्न हो रहा था तो उस जगह का मैंने आपको व्यू दिखाया, अब ये मेन रोड है, ये हम जा रहे हैं मेन रोड हैदराबाद का एयरपोर्ट रोड। इसकी आप कंडीशन देख लें, ये रोड बने हुए मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं, 4-5 महीने पहले ये रोड बना था, यहाँ के रहने वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि अब वो भी साफ रोड से गुजर सकेंगे। लेकिन रोड बनने के तकरीबन 3-4 महीने के बाद ही इस रोड की ये कंडीशन है, आप खुद तसव्वुर करें। ये 4 महीने बने हुए हो चुके हैं इस रोड को और इस रोड की कंडीशन आप देख लें आपके सामने। ये गंदगी का आलम है, ये नाला है, इसका मेन जो है रीज़न ये नाला है जो कि चौक हुआ पड़ा है शापरों की वजह से, गंदगी की वजह से, जिसको साफ़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से नाले का जो पानी है रोड के ऊपर आ चुका है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद अरशद। अरशद साहब आप कब से यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं? तकरीबन मुझे 12 साल हो गए। अच्छा अरशद साहब, इन 12 सालों में इस रोड की हालत कभी बेहतर हुई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या बुनियादी मकसद क्या है कि यहाँ पे जो गंदगी का? बुनियादी मकसद कुछ गवर्नमेंट का हाथ है, कुछ हमारी आवाम भी सही नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारी आवाम की गलती ये है कि आवाम जो है ना कचरा नालों में लाला के डालती है, उनको बोलो तो वो लड़ने के लिए खड़ी होती है। सही। तो ठीक है, नाले जो है इसकी वजह से नाले चौक हो जाते हैं, पानी रोडों पे आता है, फिर हम लोग ना गवर्नमेंट को गालियां दे रहे होते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, अपने आप को हम देखते नहीं है। सही। ठीक है ना, हम अपने आप को देखें ना पहले कि हम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे गवर्नमेंट ये साफ नहीं कर सकती, उसमें आवाम को भी उसकी ज़रूरत है। अब अभी नई कंपनी कचरा उठाने आई, हम उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी कि उसकी सपोर्ट करें। जो बहुत अच्छा काम कर रही है नई कंपनी जो आई है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल डस्टबिन लगाए, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। सही। अगर हम उनको बोलें कि भाई कचरा डब्बे में डालो, उनको आंखों से नजर भी आ रहा फिर भी वो नीचे फेंक के जा रहे हैं। तो विमल ये अरशद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पीछे जो मैं नाले का व्यू दिखाऊं तो आप देखें कितना कचरा है, और कचरे के सिर्फ ये शॉपरों की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, और जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा पा रहा, और जो पानी जो है वो उसने रोड का रास्ता अख्तियार कर लिया और रोड को नाला बना दिया। तो अरशद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो यहाँ के जो रहने वाली आवाम है उसको भी सोचना चाहिए कि जो कचरा जो है उसको अब तो डस्टबिन लग गए हैं, तो उस डस्टबिन के अंदर डालें, ना कि उसको नाले के अंदर फेंकें या रोड पे फेंकें, उसको डस्टबिन के अंदर डालें, ताकि ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो कंपनी को ठेका दिया, यहाँ इतना कारोबार मुतासिर हो रहा है हद से ज़्यादा, अब हम गरीब लोग कहाँ किधर जाएंगे, बात तो यही है ना। ठीक है अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल सही है। सही। ये सही है, ये नया कंपनी जो आया हुआ है, ये नया बंदे जो आया हुआ है, ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। हम लोग इंशाल्लाह उसको बंदे को भी मैं हम लोग बता रहे हैं माल इधर डब्बों के अंदर डालो, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बिल्कुल, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की तो है ही, मगर हमारी भी बुनियादी जिम्मेदारी, हमारा घर है यहाँ पे, रोजगार है हमारा यहाँ पे, रोजी भी सही हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोग पीटीएस से आया यहाँ पे, रोजी कमा रहे, रोजी भी सही हो जाएगा, शेयर भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेहरबानी होगा जो आप काम करता है, बिल्कुल हमको अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ऐसी और शुरू से अभी बना भी था पिछले दिनों बारिशों में, तकरीबन 4 महीने पहले बना था। हाँ, तो बारिशों में फिर दोबारा वो टूट गया है, जैसा आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ सारा। तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ पे ठेला लगाने में? परेशानी, कारोबार नहीं होता है, ग्राहक नहीं आते हमारे, और ये नाली की दीवारें टूटी हुई, पानी सारा बाहर आ जाता है। अच्छा, ये भी मैंने बात की और मैंने खुद भी देखा है कि जो यहाँ के जो लोग हैं शायद कुछ उनकी भी गफलत है, वो जो कचरा जो है नाले के अंदर फेंक देते हैं, जी जी, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, पानी आगे नहीं जा पाता और पानी को मजबूरन जो है रोड के ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाले डब्बे में कचरा नहीं डालते, हमें भी गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, उनके साथ मिल के इस सफाई का जो सिलसिला है उसको अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो शहर है हैदराबाद है वो खूबसूरत हो सके, पाक साफ हो सके, हमारे बच्चे आराम से यहाँ से गुजर सके, बीमारियों से बच सके और अच्छे तरीके से रोजगार कमा। बस यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया कि लोग किस परेशानी का शिकार हैं, और कुछ लोगों से भी बात करवा दी जो 20-25 साल से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, उनका कहना है कि 25 साल का अरसा से वो यहाँ पे कभी सफाई नहीं देख सके, तो उनकी एक नस्ल जो है यहाँ पे तैयार हो गई है, इस गंदगी की जो आदि हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी मेरे गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है आजकल काम भी कर रहा है सफाई के हवाले से हैदराबाद सिंध में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों को इस अजाब से निजात दिलाए। तो बहुत शुक्रिया विवाद आपका, और देखते रहिए हमारा चैनल नैनो हैदराबादी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना रखें बहुत सा ख्याल, और इस उम्मीद से आपसे अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ कि एक दिन इंशाल्लाह हमारा जो हैदराबाद शहर है वो बिल्कुल क्लीन होगा, बिल्कुल ग्रीन होगा, बिल्कुल साफ होगा। अपना रखें बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।